हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप के अंदर आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है, डीपी होती है, उसको अगर आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम अपने व्हाट्सएप के अंदर जो हमारी जो डीपी होती है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल फ़ोटो होती है, उसको इस तरीके से अपडेट करने के लिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप। जब भी हम कोई भी फोटो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का ये एक फोटो है जो कि दोस्तों फुल साइज का फोटो है, पूरा सर से लेके पैर तक। अब मान लीजिए इस फोटो को मुझे पूरा सेट करना है फुल व्यू में, तो यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं कि जिससे कि हमारा ये जो फोटो है फुल व्यू में सेट हो जाए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, इसको यदि आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अप्लाई कर लेते हो, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने किसी भी फोटो को, फिर चाहे वो कोई ग्रुप फोटो हो या फिर इस तरीके का फुल साइज का फोटो हो, वो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर फुल व्यू में लगा सकते हैं पूरा। जैसे कि ये जो फोटो है, सिर से लेकर पैर तक अगर मैं लगाना चाहूँ तो नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर उस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन पर, अपने व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पर आप दोस्तों अपने व्हाट्सएप के अंदर फुल व्यू में उस फोटो को सेट कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर इस ट्रिक को यूज़ करना और अपनी फुल व्यू में व्हाट्सएप पर फोटो को सेट करना, तो ये सब कुछ आप किस तरीके से कर पाएंगे और आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, दबाकर वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर अपनी फुल व्यू में किसी भी फोटो को सेट करना, तो इसके लिए दोस्तों आपको आपके फोन पर एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे फोन पर कि यह है वो एप्लीकेशन। तो पहले यहां पर मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज बता देता हूं, इस ऐप में आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां से इस ऐप को आप भी अपने फोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप इस ऐप को पहली बार इस तरह से ओपन करोगे, तो यहां पर ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगी, तो एक एक करके ध्यान से आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ गैलरी का ऑप्शन है, तो यहां पर आपको टच करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट फोटो, टेक फोटो। तो टेक फोटो में आपका डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट फोटो से गैलरी होगी। तो हम सेलेक्ट फोटो कर लेते हैं और यहाँ पर गैलरी से एक फोटो ले लेते हैं, ये वाला जो फोटो था जो कि यहाँ पर फुल व्यू में नहीं हो रहा था सेट। अब देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है ये सर्कल के अंदर। अब आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहें, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस फोटो को इस तरीके से यहाँ पर देखिए सेट करने वाले हैं, इतने में ये सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में प्रो लिखा है, जस्ट इसके बाजू में एक एरो है, आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये, जैसे ही आप इसको डन करेंगे तो आपका जो फोटो है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो फोटो है ये फुल व्यू में यहाँ पर लग चुका है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये जो फोटो है हमारा व्हाट्सएप के अंदर फुल व्यू में सिर से लेकर पैर तक सेट हो गया है। इसी तरीके से जो भी फोटो है, फिर चाहे आपका ग्रुप फोटो हो या फिर इस तरीके का फोटो, सभी आप अपने फुल व्यू में इस तरीके से अपने व्हाट्सएप के अंदर लगा पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस ऐप को आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे वीडियो का नाम लिखा होता है टाइटल, वीडियो के नाम पर टाइटल पर इस तरह से टच करना है, नीचे की तरफ में आना, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप, नीले कलर की लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पे टच करेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताई, डायरेक्टली आप इसको अपने फोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।